मुझे लगता है ना कुछ जगह जो होती है उनके नाम में ही रोब होता है, मतलब वो मुझे लगता है कि वहां पे लोग चाहते थे कि लोग नाम सुन के डर जाएं, अटैक वटैक कोई ना करे। जैसे पटियाला, पटियाला सुन के एकदम से आदमी को लगता है यार ये थोड़े वजन वाली चीज़ है, रोबदार चीज़ है। तो जैसे ही लोग बोलते हैं ना पटियाला चिकन, सडनली वो चिकन की रेस में भी रोब आ जाता है। तो नमस्कार, मैं हूँ रोब ब्रार, और सॉरी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और मिलते हैं म्यूज़िक के उस पार पटियाला चिकन की रेसिपी के साथ। चाहिए कुछ नहीं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, कहानी थोड़ी बहुत सुना देंगे, रेसिपी सिखा देंगे, बाकी गॉड इज ग्रेट। तो मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं शेफ़ परविंदर बाली, बहुत फेमस शेफ हैं, डॉक्टरेट है उनके पास कुकिंग में, यानी कि PhD हैं। तो उन्होंने पटियाला घराने पे बड़ी रिसर्च करी है। तो मैंने बनाने से पहले मैंने कहा उनको एक बार फ़ोन करें, मैंने कहा जब ये होता भी है क्या कुछ पटियाला चिकन? तो हंसने लगे, कहते रणवीर कुछ नहीं होता पटियाला चिकन, लेकिन पटियाला चिकन का एक आइडिया ज़रूर है कि हाँ भाई अगर पटियाला चिकन होता होगा तो कुछ ऐसा होता होगा। तो उनके साथ डिस्कस करके बैठ के मैंने जो पटियाला चिकन की रेसिपी बताई है, मोस्ट प्रोबेबल रेसिपी है पटियाला चिकन की, बाकी एवरीवन फॉर देमसेल्फ जो चल रहा है इंटरनेट पर चलने दो, है ना। तो ये जो शेफ हैं इनके पास ना एक बहुत पुरानी किताब मिली इनको पटियाला घराने की, जिसमें कि बहुत सारी रेसिपीज़ थी। अब वो रेसिपीज ज़्यादातर जो हैं वो घर की रेसिपीज़ थी, जैसे ये वाली बुआ का ये मीट या ये वाली मासी का ये चिकन, लेकिन पटियाला शाही चिकन नाम की कोई चीज़ नहीं थी उसके अंदर। चिकन की रेसिपीज़ पटियाला घराने में कहीं हद तक रामपुर और अवध से इंस्पायर्ड थी, बिकॉज जो महाराजा ऑफ पटियाला थे वो अक्सर रामपुर अवध इन जगहों पर इन नवाबों के यहाँ खाना खाने जाते थे, या उनके कुक्स इनके किचन्स में आते रहते थे। तो इस बेसिस पे इस रेसिपी का जेनेसिस यानी कि शुरुआत हुई है। आमतौर पर मैं कहता हूँ कि जब भी अदरक लहसुन पेस्ट बनाएं तो अदरक ज़्यादा लहसुन कम, लेकिन कभी पंजाबी खाना बनाएं तो अदरक लहसुन पेस्ट बनाएं तो अदरक लहसुन एटलीस्ट 50-50, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। तो बेसिकली हमारी लाइफ जो है बहुत ईजी हो गई है। शेफ बाली ने भी यही कहा कि रणवीर थोड़ा सा अवध और पंजाब को मिक्स करेंगे तो पटियाला शाही मुर्ग की रेसिपी मिल सकती है, लेकिन लाइफ इसलिए आसान हो गई बिकॉज हम जो हैं हम उसी अवध और पंजाब का मिक्सचर हैं। रणवीर सिंह ब्रार फ्रॉम लखनऊ इज इक्वल टू कन्वीनियंटली पंजाब, कन्वीनियंटली अवध। तो हमने कहा तो बड़ा आसान है, पंजाबी और लखनवी को मिलाने के लिए हम ही मिले थे आपको। बेसिकली हम क्या दिमाग लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देखिए पंजाबी का मतलब हो गया रफ, यानी कि प्याज टमाटर, और रामपुरी अवधि का मतलब हो गया फिनेस। अगर आपको कोई डिश क्रिएट करनी हो जिसमें आपको ये बनाना हो कि भाई लखनऊ मीट्स पंजाब या पटियाला मीट्स रामपुर, तो दो टिपिकल चीज़ें होती हैं पंजाबी खाने की पटियाला के खाने की। वो एक तो होता है प्याज टमाटर, प्याज टमाटर का तड़का, उसको जब आप थोड़े खुशबू के मसालों के साथ थोड़ा दही के साथ मिक्स कर देंगे तो उसमें वो रामपुर का टच आ जाएगा। जितना बारीक आपको चॉप करना है कर लीजिए, हल्का सा वो मिक्सी में या घुमक्कड़ में घुमाना है तो घुमा लीजिए, टेंशन मत लीजिए कि रणवीर इतना बारीक तो हम चॉप नहीं कर सकते, हम नहीं बनाएंगे, वो वाला बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए जो मर्जी बना रहा हूँ मैं, चाहे मुर्ग पटियाला बना रहा हूँ या मुर्ग चेन्नई बना रहा हूँ, रोना ज़रूर है मैंने, प्याज के साथ हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा भाई गॉड। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि रेसिपीज़ में काजू वाजू बहुत यूज़ हुआ है पटियाला शाही में। एक्चुअली पटियाला शाही में काजू
इतना यूज़ होना नहीं चाहिए। पटियाले खाने में काजू का इस्तेमाल इतना नहीं है। जो रिचनेस आती है वो ज़्यादातर घी से आती है, कई बार मावा या खोया पड़ जाता है ना, तो घी और खोए की रिचनेस ज़्यादा है, काजू की रिचनेस इतनी ज़्यादा है नहीं पटियाले के खाने में। यह है कसूरी मेथी मेरे पास, इसमें से आधी कसूरी मेथी मैं निकाल लूँगा क्योंकि आधी कसूरी मेथी मेरे को चाहिए ड्राई और आधी कसूरी मेथी मैं कर लूँगा सोक। सो बेसिकली इफ़ यू हैव टू रिकन्स्ट्रक्ट अ पटियाला चिकन, पटियाला शाही मुर्ग या पटियाला मुर्ग जो आप कहते हैं, एक दही वाला मुर्ग है पंजाबी स्टाइल, तो आप रामपुर वाला या लखनऊ वाला दही वाला मुर्ग लें, उसको एक पंजाबी टच दे दें, मेथी का, प्याज टमाटर के तड़के का, थोड़ा धनिया ज़्यादा डालें उसके अंदर, तो आई थिंक वो एक क्लोजेस्ट वर्जन है पटियाला शाही चिकन का या पटियाला मुर्ग का। देखिए इसको लाइट ब्राउन तक लेके जाना है। अब ये भी वो पंजाबी पना है, पंजाबी खाने में जिस तरह प्याज को भूनते हैं, प्याज की भुनाई को ग्रेवी के फ्लेवर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो दिस इज़ द सेम थिंग। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया, अब इसके अंदर चिकन डालना है, डार्क ब्राउन नहीं करना है बिकॉज फिर चिकन भी भुनेगा ना। अभी क्या और कुछ भी डालने से पहले ना वक्त देना है ताकि चिकन जो है वो पानी छोड़े और मसाले थोड़े भुन जाए। ये भीगी हुई कसूरी मेथी भिगोने से एक तो थोड़ी नरम हो जाती है वो जाहिर सी बात है, दूसरी हल्की सी कड़वाहट निकल जाती है पानी में, तो कसूरी मेथी की मिठास और नटीनेस वो दोनों निकल के आ जाती है। तो इसलिए जब कसूरी मेथी की मिठास निकाल लिया तो पानी में भिगो के इस्तेमाल कर लें। और ये है एक टमाटर, अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो दो टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन अगर दही खट्टा है तो एक टमाटर मैक्सिमम। अब जैसे ही टमाटर हल्का सा गल जाए ना, मतलब गल किया जाए, वो नरम हो जाए, तब इसके अंदर डालना है दही। दही डालने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने दही डालने में लेट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या है कि पहले चिकन ऑलरेडी पक चुका होगा, फिर दही को पकने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप चाहते हैं चिकन दही साथ में पके, इसलिए जैसे ही बस हल्का सा टमाटर नरम हो जाए वैसे ही फिटा हुआ दही, बीटन दही चिकन में डालना है। दूसरी चीज़, किसी भी ग्रेवी में जब आप दही डालें ना तो उसको एक तो चलाते रहें, है ना, जब आप उसको चलाते रहेंगे तो दही के लम्प्स मोटे नहीं बनेंगे, धीरे 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 दही भुनता रहेगा। और दूसरा, दही को पकने का वक्त दें। दही की ग्रेवी में कच्ची दही से ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। अब ये कैसे पता चलेगा कि दही जो है वो पक गया है? जब आपको पके हुए दही की खुशबू इसके अंदर से आनी बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए कि दही पक गया है। जैसे वो मट्ठे या छाछ की लैक्टिक स्मेल होती है ना, वो खट्टी दूध की स्मेल, वो नहीं रहनी चाहिए ग्रेवी में, है ना, हल्का सा मावा भुनने की खुशबू आ जानी चाहिए उसके अंदर। लेकिन उससे पहले एक बार पटियाला के बारे में बात तो कर लेते हैं ना। आखिर पटियाला वो शहर है जिसने सिर्फ रियासत नहीं दी, इसने हमको पटियाला पैक दिया है, इसने हमको पटियाला सलवार दी है, और बहुत सारी कहानियाँ दी हैं जो आज भी लोग सुनाते हैं, खासतौर वो रोल्स रॉयस वाली कहानी सुन लेते हैं। तो जी, महाराजा ऑफ पटियाला के बारे में तीन कहानियाँ बड़ी फेमस है। सबसे पहली है रोल्स रॉयस की स्टोरी। तो महाराजा साहब जो है वो एकदम वो बड़ी सी कलरफुल टर्बन पहन के, कलरफुल कपड़े पहन के गए रोल्स रॉयस लेने और बोला भाई कितने की है? तो रोल्स रॉयस का जो शोरूम वाला था वो मजाक उड़ाने लगा, कहता है ये आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, जाने दो। वापस आए और 30 रोल्स रॉयस उन्होंने ऑर्डर करी और पूरे पटियाला में 30 रोल्स रॉयस से कूड़ा उठवाने का काम लिया। रोल्स रॉयस वाले आए, माफ़ी मांगी, तब जाके उन्होंने रोल्स रॉयस की जान छोड़ी। ना? दूसरी जो स्टोरी फेमस है वो पटियाला सलवार की। वो एक्चुअली लेडीज़ के लिए नहीं थी, वो महाराजा साहब खुद पहनते थे खुली पट्टियों वाली सलवार, और वो महाराजा साहब का जो फैशन है वो फैशन ट्रांसलेट हुआ आज के लेडीज़ फैशन में, जिसे हम पटियाला सलवार कहते हैं। तीसरी चीज़, पटियाला पेग की स्टोरी। तो कहानी जो है इंटरेस्टिंग वाली ये है कि आयरिश पोलो खेलने वाले यहाँ पे आए और महाराजा साहब ने कहा ये आप लोग क्या ड्रिंक पीते हो? तो जितना हमारा पेग होता है ना, यानी कि टेंट पेगिंग होती थी पहले, टेंट पेगिंग में ज़मीन में खूंटे गड़े होते थे और खूंटे को उखाड़ना होता था, तो कहते जितनी ये खूंटे की हाइट है उतने लंबे लंबे ड्रिंक होने चाहिए।
तभी तो आप टेंट पैक कर दो, वरना क्यों टेंट पैकिंग करने आए हो। तो उन्होंने उनको खूंटे की हाइट के लंबे लंबे ड्रिंक पिलाए, बोलते हैं ये पटियाला पैग है, टेंट पैग का पैग बन गया है। तब से ये फेमस हो गया कि पटियाला पैग जो है कम से कम पैग की हाइट का होना चाहिए, जो कि टेंट पैकिंग में यूज होता है। जो दूसरी कहानी है कि एक्चुअली क्रिकेटर्स आए थे क्रिकेट खेलने, आयरिश क्रिकेटर्स, और महाराजा साहब ने बोला ये ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, इनको ज़रा पटियाला पैग पिला के धराशायी किया जाए अगले दिन। देखिए कहानी सच हो या झूठ, कहानियाँ बड़ी हैं पटियाला के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में, कल्चर के बारे में, एंड आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। जल्दी जल्दी बोल के आई हैड टू शेयर देम विद यू। इसमें नेक्स्ट टाइम मैं ये चेंज करूँगा कि जब तड़का लगाऊंगा ना तो आधी हरी मिर्च स्लिट करके डाल दूंगा इसमें, वो भुनी हुई हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा जाएगा। रेस्ट आई विल नॉट चेंज अ थिंग। तो अगर आप सोच रहे हैं अचानक से रणवीर कपड़े बदल के और ये खाना हाथ में लेके क्या कर रहा है, तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और ये जो बचा हुआ चिकन पटियाला मैं घर लेके नहीं जा रहा हूँ, इसकी एक और बोनस डिश आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि वो डिश ख़त्म हो जाएगी और आप उसके बाद जा सकते हैं, तो आप नहीं जा सकते हैं। डिश ख़त्म होने के बाद ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा एक बढ़िया सा नई डिश का, ठीक है ना? अटका लिया ना मैंने बीच में ही। तो जी बेसिकली क्या हुआ कि आमतौर पे बचता कुछ नहीं है, लेकिन ये चिकन पटियाला बच गया, इस पर थोड़ा तरस खा लिया गया है। तो मुझे लग रहा था कि मैं घर ले जाता हूँ, घर पे खा लेंगे, ईशान खा लेगा। फिर मैंने कहा नहीं, अगर घर ले जाऊँगा तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी आपको एक नई बढ़िया डिश दिखाने की, और वो डिश है पटियाला शाही पुलाव। रेडी? तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, कपड़े बदल के फिर से आ गया हूँ, हो जाइए तैयार, बनाएंगे पटियाला शाही पुलाव। चाहिए कुछ नहीं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखाई चोखा, कढ़ाई में तेल, ये गया जी स्याह जीरा यानी कि काला जीरा, जिसको आप शाही जीरा भी बुलाते हैं, इसके साथ ही प्याज अदरक। अच्छा, प्याज को ब्राउन नहीं करना, सिर्फ नरम कर रहा हूँ मैं, कच्चापन मार रहा हूँ प्याज का बस। जैसे ही कच्चापन मरा, ये अपना बचा हुआ चिकन पटियाला, चिकन पटियाला को थोड़ा सा ही गर्म करना है, ज़्यादा नहीं। ये चावल जो है ये भी फ्रिज में रखा हुआ है, इसलिए अपनी शेप पकड़ ली है इसने, जितना पुराना चावल होगा असली मज़े उसी के हैं। रंग का रंग, खुशबू की खुशबू, अपना प्रिय मित्र धनिया का अपना प्रिय मित्र धनिया, और देगी की किक। और अगर आपके चिकन में ग्रेवी इनफ नहीं है तो थोड़ा पानी का छींटा दे सकते हैं, यहाँ पे अपने चिकन में ग्रेवी इनफ थी। अब इसको ढक्कन लगाएं और इसको कम से कम नहीं तो 7 मिनट के लिए भूल जाएं। वो क्या है ना, मेरा मन नहीं मान रहा था, मुझे लगा जाते जाते कुछ तो दे के जाऊँ, लिटिल मोर देन आई कैन गिव। तो ये आइडिया आ गया, मैंने कहा यार अगर बच गया है तो उसको इस्तेमाल करना भी सिखा देते हैं। अभी नीचे वो लिख देंगे लोग बोनस रेसिपी ये वो, तो आप समझ लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत क्या बोनस रेसिपी, लोगों को पहले ही पता चल जाएगा, फिर लोग लास्ट तक नहीं आएंगे। हाँ देखो जी, ऐसे हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है, हैं? वरना जिंदगी क्या है, चंद दावतों की मोहताजी तो है। ये हो गया लगे हाथ एक बोनस चिकन पुलाव। तो बात शुरू हुई थी कि पटियाला चिकन कुछ होता है कि नहीं होता है, और बात यहाँ आके ख़त्म हुई कि पटियाला चिकन भले ही होता हो ना होता हो, लेकिन पटियाला पुलाव ज़रूर होता है। तो लगे हाथ आपको बचे हुए चिकन और बचे हुए चावल से फर्स्ट क्लास नया सा पुलाव बनाने का जुगाड़ बता दिया, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी चिकन करी बची हो उसके साथ आप यही कर सकते हैं। बस ये है कि नीचे जो चावल डालें उसको चिकन करी सोक करने का वक्त दें। देखिए पटियाला चिकन भले ही असली रेसिपी हो या ना हो, रॉयल फैमिली में रिकॉर्डेड हो या ना हो,
लेकिन ये बना बहुत अच्छा है बाय गॉड। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बनाइएगा जरूर, खाइएगा जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ब्यूटीफुल।